हेलो एवरीवन स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल में ये हमारी वन शॉट वीडियो होने वाली है एक ही वीडियो में आपके जिसमें हम लोग आपके कवर करवाएंगे अवार्ड्स प्लस ऑनर्स प्लस पर्सन इन न्यूज ये दो पार्ट में हम लोग लाएंगे ये हमारी फर्स्ट वीडियो है नेक्स्ट सेशन में आपको जितने भी चाहे पद्मश्री अवार्ड हो चाहे स्पोर्ट्स की अवार्ड हो उन सबको हम लोग कवर करवाएंगे इसमें मेन फोकस हमने ऑनर्स एंड पर्सन इन न्यूज़ में रखा हुआ है अवार्ड्स की सीरीज़ हम लोग स्पोर्ट्स के साथ एक वीडियो और लाएंगे उसमें आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कवरेज मिल जाएगी तो इसमें आपको ऑनर्स और पर्सन इन न्यूज़ में इसकी कंप्लीट कवरेज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी जो कि आपके जी के पी एस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ठीक है बने रहिए लास्ट तक तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली हमारी क्लासेस का शेड्यूल है हिस्ट्री का लेक्चर आता है हमारा शाम को पाँच बजे सात बजे आर्ट एंड कल्चर एंड नौ बजे हमारा साइंस एंड टेक तो आज दोपहर में ही जैसे मॉर्निंग में मैंने आज डाल दी है कौन सी इन्वामेंट एंड बायोडावर्सिटी की लेक्चर वन शॉट वीडियो है वो भी वो भी आप जाके अटैम्प्ट कर सकते हैं थर्टी टू फोर्टी क्वेश्चंस हमने उसमें डिस्कस किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं ठीक है तो वो भी आप जाके देख सकते हैं मैंने पूरा दो हज़ार uh, से लेकर 2022 के बीच में जितने भी करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन बन सकते थे वो उठा के आपके लिए बनाए हैं बेफजूल क्वेश्चन एक भी नहीं है उसमें तो ठीक है हर एक लेक्चर की पी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी उसका लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं उसका लिंक भी नीचे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑलराइट राइट right, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन विच यूनिवर्सिटी हैज़ सिक्योर्ड फर्स्ट प्लेस अमंग इंडियन यूनिवर्सिटीज इन एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है दो हज़ार बीस की जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग हुई थी हमारी इंडिया की कौन सी यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट प्लेस लिया था इन एकेडमिक रैंकिंग में अन्ना यूनिवर्सिटी जे एन यू जे एन डी यू या फिर कलकाटा यूनिवर्सिटी तो ये हमारे जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग थी 2020 की उसमें फर्स्ट प्लेस पे कौन आया था हमारा इन एकेडमिक रैंकिंग तो दैट इज कोलकाता यूनिवर्सिटी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु हैज बीन अपॉइंटेड एज फोर्टी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ठीक है फोर्टी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसको अपॉइंट किया गया है जस्टिस एनवी रमन्ना जस्टिस उदय ललित जस्टिस अरविंद बोबडे या जस्टिस नरीमन। तो ये इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ई जस्टिस एन वी रमन्ना ठीक है ब्लू फ्लैग इज अ ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड इको लेबल सर्टिफिकेशन प्रोवाइडेड टू बीचेज ठीक है फ्रॉम विच कंट्री जो हमारी बीचज uh, होती हैं उसमें ब्लू फ्लैग ठीक है ब्लू फ्लैग एक ग्लोबल रिकग्नाइजेशन टैग जैसे हम लोग जी आई टैग प्रोडक्ट्स को देते हैं तो वैसे ही जी आई टैग का सिमिलर होता है ब्लू फ्लैग वो हम लोग देते हैं बीचज को तो ये कौन सी कंट्री देती है ये सर्टिफिकेशन कौन सी कंट्री देती है ऑप्शन ए जर्मनी यू एस ए डेनमार्क या फ्रांस तो ये दिया जाता है बाई ऑप्शन सी डेनमार्क ठीक है? डेनमार्क के द्वारा यह प्रोवाइड की जाती है वर्ल्ड वाइड सभी बीचेस को ब्लू फ्लैग ऑल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन एक्सटर्नल ऑडिटर किसको आ, यहां पर सिलेक्ट किया गया है वेंकैया नायडू राजेश कुमार जीसी मुर्मू या एस ए बॉबडे तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी जीसी मुर्मू जी को यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटर चुना गया है ओपीसीडब्ल्यू का ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स याद रखिए गई नेक्स्ट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चेयर पर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एनएचआरसी जो है इसका एक्टिंग चेयर पर्सन किसको अपॉइंट किया गया है एस ए बोबडे ए के सिकरी पी के मिश्रा या पी के पंत तो जो यहां पे अपॉइंट हुए एज अ एक्टिंग चेयर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के वो हैं ऑप्शन डी पीसी पंथ पंत ठीक है डी इज द करेक्ट आंसर ऑल राइट नेक्स्ट एंड्रिया मेजा यूनिवर्स वॉज फ्रॉम विच कंट्री ये कौन सी कंट्री की हैं एंड्रिया मेजा जिनको मिस यूनिवर्स का क्राउन मिला है मैक्सिको रशिया इटली या स्वीडन तो ये हैं मैक्सिको से ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट देखिए हु टॉप द फिफ्टी ग्रेटेस्ट लीडर्स लिस्ट रिसेंटली रिलीज बाई फॉर्च्यून फिफ्टी ग्रेटेस्ट लीडर की लिस्ट जो फॉर्च्यून ने रिलीज की है उसमें इन में से किसने टॉप किया है जैसिंद्रा अर्डन जेसिका टेन अदर आदर पूनावाला या नरेंद्र मोदी जी तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए ठीक है जैसिन, जैसि जसिंद्रा अर्डन ठीक है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट वॉट इज द प्रोफेशन ऑफ महेश जेठ मलानी, हु हैज बीन नॉमिनेटेड टू राज्यसभा बाई यूनियन गवर्नमेंट जो यूनियन गवर्नमेंट ने इनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया है महेश जेठ मलानी जी उनका प्रोफेशन uh, क्या है डॉक्टर हैं एडवोकेट हैं साइंटिस्ट हैं या फिर बैंकर हैं तो ये एक एडवोकेट थे ठीक है एडवोकेट थे अब राज्यसभा के मेंबर हैं रंजीत सिंह दिसेल ठीक है रंजीत सिंह डिसेल हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडवाइजर टू द वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक को जो एडवाइजर अपॉइंट किए गए हैं उनका प्रोफेशन क्या है रंजीत सिंह डिसेल स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं वो टीचिंग से बिलोंग करते हैं बिजनेस से बिलोंग करते हैं या फिर जुडिशरी से बिलोंग करते हैं तो वो हैं टीचर दैट इज टीचिंग लाइन से बिलोंग करते हैं ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इसका ये आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन ऑनररी मेंबर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू एच ओ प्लस ग्लोबल ग्लोबल एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप इनमें से किसको ऑनररी मेंबर बनाया गया है इन सब ऑर्गेनाइजेशंस uh, का ए के सिकरी मुकेश शर्मा रितिका खारे या अभिजीत अभिजीत बनर्जी तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन है दैट इज हमारे पास है मुकेश शर्मा जी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट विच इंडियन स्टेट हैज बीन एडजस्ट एज द टॉप परफॉर्मर इन द स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020? जो स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 थे उनमें से टॉप पे कौन सी स्टेट परफॉर्मर थी उत्तर प्रदेश बिहार छत्तीसगढ़ या झारखंड तो ये कौन थी दैट इज उत्तर प्रदेश यूपी ला गनेसन सोन एज अ सेवनटीन गवर्नर ऑफ विच इंडियन स्टेट ला गनेसन जो थे ये अभी सेवनटीन गवर्नर कौन सी स्टेट के बने हैं तेलंगाना मणिपुर असम या वेस्ट बंगाल तो ये बने हैं मणिपुर के सेवनटीन्थ गवर्नर ठीक है सेवनटीन्थ गवर्नर याद रखिएगा हाँ फर्स्ट आई ऑफिसर कौन थे जिन्होंने पैरा ओलंपिक्स में मेडल लाया इंडिया के लिए ठीक है ये पहले आई ऑफिसर थे जिन्होंने इंडिया के लिए पैरा ओलंपिक्स मेडल जीत के लाया है सुहास याथिराज देवेंद्र झजारिया योगेश कथुनिया भावना पटेल तो ये कौन थे दैट इज ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर सुहास यथीराज रिसेंटली हु बीन हुउंस्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टाटा ए आई ए लाइफ इंश्योरेंस टाटा ए आई ए लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेडर इसको अभी अनाउंस किया गया है बजरंग पुनिया नीरज चोपड़ा लवलीना बरगोहन या फिर पी वी संधु को तो इसमें करेक्ट आंसर कौन है दैट इज हमारे नीरज चोपड़ा जी गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रू ऑल राइट right, याद रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच इंस्टीट्यूशन अवार्ड्स द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन हमने तो ये देख लिया था कौन सी कंट्री देती है दैट इज डेनमार्क तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन uh, देती है या फिर कौन सी इंस्टीट्यूशन देती है ये भी आपको पता होना चाहिए यूनेस्को देती है यूनिसेफ देती है फाउंडेशन फॉर एनवायमेंट एजुकेशन देती है या यू देती है तो दैट इज ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फाउंडेशन फॉर एनवायमेंट एजुकेशन ठीक है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर which indian has been selected as the external auditor of international atomic energy agency ठीक है अभी हमने पहले किसके बारे में पढ़ा था ओ पी डब्ल्यू सी के बारे में यहाँ पे किसके बारे में है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ठीक है इसके एक्सटर्नल ऑडिटर किसको चुना गया है जीसी मुर्मू, राजीव महर्षि शशिकांत शर्मा या विनोद राय तो इसके भी एक्सटर्नल एडिटर हमने किसको अपॉइंट किया गया है दैट इज जीसी मुरमू ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट विच इंडियन बैंकर हैज हैजॉइंड एज द चेयरपर्सन ऑफ भारत पे ठीक है कौन सा इंडियन बैंकर है जिसने भारत पी का एज अ चेयरमैन ज्वाइन किया है अरुण धत्ती भट्टाचार्य रजनीश कुमार चंदा कोचर या उर्जित पटेल तो ये कौन है दैट इज रजनीश कुमार जी ठीक है इनको अभी भारत पे का चेयरपर्सन बनाया गया है द कस्टडियन ऑफ ट्रस्ट ठीक है द कस्टडियन ऑफ ट्रस्ट इज एन अपकमिंग बुक रिटन बाई फेमस बैंकर कौन से बैंकर ने ये बुक लिखी है द कस्टडियन ऑफ ट्रंक रघु राजन रघु राम राजन रजनीश कुमार अरुण धत्ती भट्टाचार्य या उषा थरोट तो यह uh, किस uh, बैंकर ने बुक लिखी है दैट इज रजनीश कुमार ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच इंडियन टाउन हैज़ बीन अवार्डेड द बेस्ट वर्ल्ड टूरिज्म विलेज बाई यू एन डब्ल्यू टी ओ बेस्ट वर्ल्ड टूरिज्म विलेज कुंभकोनम पोचम पाली अथिर पाली या अरक् तो ये है हमारे पास ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर पोचम पाली ठीक है पोचम पाली को बेस्ट वर्ल्ड टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया गया है यू एन डब्ल्यू टी ओ के द्वारा हैज टेकन चार्ज एज डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस यूनिट इन इंडिया तो कौन सी आर्म्ड फोर्सेस के ये डी बने हैं इंडियन आर्मी के इंडियन कोस्ट गार्ड के सी के सी के तो ये वी एस पठानिया जी किसके बने हैं दैट इज इंडियन कोस्ट गार्ड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट देखिए विद स्पोर्ट पर्सन वॉज बेस्टोर्ड विद द परम विशिष्ट सेवा मेडल ठीक है किस आ, स्पोर्ट्स पर्सन को परम विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया है ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा ऑप्शन बी मरियप्पन थंगेवेली ऑप्शन सी पीवी संधू, संधु ऑप्शन डी मीराबाई चानू तो मीराबाई चानू को तो आ, स्टेट ने क्या इनको एक उहदा दिया है दैट इज डी ठीक है इनको डायरेक्ट डीएसपी बनाया गया है याद रखिएगा तो ये आ, कि परम विशिष्ट सेवा मेडल किसको दिया गया है दैट इज नीरज चोपड़ा ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी एन एफ आर ए इसका चेयरपर्सन चेयरमैन किसको बनाया गया है अजय भूषण पांडे नंदन नीलकेनी आजिम प्रेम जी क्रिस गोपाल कृष्णन तो ये हमने बनाया है किसको चेयरमैन बनाया है अपना एन का दैट इज अजय भूषण पांडे ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सादिया तारिक अभी काफी न्यूज में थे ये हु इन न्यूज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स इनकी कौन सी स्पोर्ट्स है सादिया तारक जी जो हैं इनकी कौन सी स्पोर्ट है हॉकी है वुशु है जिमनास्टिक है या फिर वेट लिफ्टिंग है तो इनकी जो स्पोर्ट्स है दैट इज वुशु बी इज द करेक्ट आंसर ये हमारे जे एंड के कश्मीर से बिलोंग करती हैं ठीक है सादिया तारिक नेक्स्ट भूमिका श्रेष्ठा हु वॉन द इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कॉरेज अवार्ड 2022 ये कौन से देश से हैं कौन से कंट्री से बिलोंग करती हैं भूमिका श्रेष्ठा जिन्होंने क्या जीता है इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कॉरेज अवार्ड 2022 का ये कौन सी कंट्री से, से बिलोंग करती हैं इंडिया श्रीलंका नेपाल या म्यांमार तो ये बिलोंग करती हैं ऑप्शन सी दैट इज नेपाल ठीक है ऑप्शन सी दैट इज नेपाल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आप तक पहले पहुंचे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच कंट्री हैज वॉन ए एफ सी वुमेन्स एशियन कप 2022 ट्वेंटी टू ठीक है ए एफ सी कप ट्वेंटी ट्वेंटी टू का है जो इनमें से कौन से कंट्री ने जीता है इंडिया चाइना जापान या साउथ कोरिया तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास दैट इज बी ऑप्शन चाइना चाइना ये ने जीता था रमेश बाबू सॉरी रमेश बाबू प्रगनंदा इज एसोसिएटेड विद विच गेम रमेश बाबू प्रगनंदा जो जो ये कौन सी गेम को एसोसिएट करते हैं किस गेम से लिंक है इनका चेस हॉकी सॉकर क्रिकेट तो ये हैं चेस के खिलाड़ी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ठीक है इंडियन क्रिकेटर ऋषभ पंत हैज बीन द ब्रांड एम्बेसिडर ऑफ विच स्टेट ऋषभ पंत जो हैं ये कौन सी स्टेट के एक ब्रांड एंबेसिडर बनाए गए हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार या वेस्ट बंगाल तो इनको उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसिडर बनाया गया है ठीक है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऋषभ पंत जी को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसिडर बनाया गया है right. ये थे हमारे अवार्ड्स और ऑनर्स ठीक है फुल फ्लैस्ड फुल कवरेज के साथ हमने फॉर जीके पी ये वीडियो आपके लिए बनाई हुई है एक पार्ट इसका और आएगा जिसके बाद आपके अवार्ड्स एंड ऑनर्स सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे एक भी आपका नहीं बचेगा इसमें ठीक है तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा पसंद क्यों नहीं आई अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को टिल देन गॉड ब्लेस यू कीप लर्निंग कीप शेयरिंग